गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे आप सब लोग? बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस मम्मी करने लगी है पूजा, गोलू का एग्जाम है आज, मतलब तिलक वगैरह लगाएंगे अभी और हम भी रेडी हो चुके हैं। मैं और गोलू जा रहे हैं, गोलू का एग्जाम है आज अकाउंट्स का, नहीं सॉरी मैथ्स का। सो वहाँ पर पहुँच कर देता हूँ आपको, देखते हैं आज कहीं जाएंगे। गोलू एग्जाम आज, वैसे 2 ही घंटे का एग्ज़ाम है, सो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, देखते हैं कोई नई जगह जाएंगे गोलू को छोड़ के वहाँ पर। तो गाइस गोलू जा रहा है पेपर देने और मैं यहाँ से जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे जाके दिखाता हूँ, एक काम से आ रहा हूँ। सो वो लगा है फॉर्मूले जल्दी जल्दी याद करने में, रिविजन करने में। आज तो बहुत ही कम बच्चा है, 26 घंटा है। सो देखते हैं। सो गाइस हम एंटर हो चुके हैं ग्रेटर नोएडा में, गाड़ी मैं अप्रॉक्स 1-2 साल बाद आ रहा हूँ ग्रेटर नोएडा, जो कि फुल्ली चेंज हो चुका है। यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है ग्रेटर नोएडा की, कि रोड काफ़ी खुले खुले हैं, क्योंकि ये नई सिटी बसी है तो रोड वगैरह इसके हिसाब से बनाए गए हैं, जाम वगैरह ना लगे। जो पुरानी सिटी हो गई दिल्ली वगैरह, तो रोड वगैरह कंजेस्टेड है, यहाँ पर सारी रोड वगैरह खुले हैं और फ्लैट ही फ्लैट खड़े कर दिए, फ्लैट ही फ्लैट, जहाँ देखो फ्लैट, इस साइड फ्लैट, इस साइड फ्लैट, और रोड पे फ्लैट ही फ्लैट। सही में काफ़ी डेवलप हो चुका है ग्रेटर नोएडा, रोड ऐसी है कि मन कर रहा भगाते ही जाओ, भगाते ही जाओ। भाई सब एक दिक्कत हो गई थी, मेरी बाइक का फ्यूल कम था, मुझे लगा कि हो जाएगा अप एंड डाउन, जो आते वक्त भरवा लूँगा पेट्रोल। मुझे पता नहीं था ग्रेटर नोएडा जाने का प्लान बन सकता है, और एकदम से प्लान बन गया। मैं निकल गया हाईवे पे, हाईवे से सीधा हाईवे से, तो एकदम से प्लान बन गया ग्रेटर नोएडा का, तो मैं सीधा निकल गया हाईवे पे। हाईवे पे सारी बत्ती गायब, ब्लिंक होना भी बंद, मुझे तो लगा कि अब फंस गए बीच हाईवे पे। तो मैं आराम आराम से चलाते 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 5 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल चला रहा था कि यार पेट्रोल पंप तक तो पहुँचे, हाईवे क्रॉस हो एक बार। तो हाईवे जैसे ही क्रॉस हुआ तो पेट्रोल पंप दिख गया, थैंक गॉड जान बची। सो यहाँ पे हमारे एक पड़ोसी ने फ्लैट लिया है, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं, देखते हैं कैसा है। बड़ी चौक राइट हैंड साइड, या मुझे मैप निकालना पड़ेगा, उन्होंने लोकेशन भेजी है मुझे, यहाँ से हम लोकेशन लगा के जाएंगे। ये है श्री सिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर, जय हो हनुमान जी की। सब लोग देख रहे हो इस साइड ही फ्लैट बन रहा है, इस साइड फ्लैट ही फ्लैट है, तो कहीं पे भी बाकी नहीं है फ्लैट। सो गाइस सेंटर पे से आने के बाद यार गला वगैरह सब जाम हो गया था, क्योंकि यार ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और मैं जैकेट पहन के नहीं गया था, सो इसलिए जैकेट ले के गया था लेकिन पहन नहीं दी थी, छोड़ दिया था। पानी की टंकी भर चुकी है गाइस, मैं बंद कर गया था। सो गाइस गोलू जा चुका है मोटर बंद करने के लिए, और मैं कह रहा था कि गला बिल्कुल जाम हो गया क्योंकि हवा काफ़ी तेज चल रही है आजकल, ठंडी हवा, अब बाइक पे वैसे ज़्यादा ठंड लगती है। सो गला बिल्कुल जाम हो चुका है, आवाज़ आपको डिफरेंट लग रही होगी। सो अभी टाइम हो रहा है 8:24, और अभी मम्मी खाना बनाने में लगी है, खाना खाएंगे थोड़ी देर में और दिखाता हूँ। सो गाइस मम्मी आलू छील रही है, आज बनेगी आलू की सब्जी। कौन सब्जी में? भंडारे वाले सब्जी आलू, उस आलू, ये आलू हरा क्यों है? ये चावल बन रहे हैं, गोभी हरी दाल, और गोलू इस रूम में धूम मचा रहा है। गोलू
फोन में लगा हुआ है पापा टीवी में लगता है गोल में हमें देख रहे हैं। भागो गाइस, अभी हम घर पे बैठे बोर हो रहे थे, सो खाना बन रहा है, तब तक हम मैं और गोलू घूम के आते हैं। सो गोलू भी रेडी हो चुका है और मैं और गोलू जाते हैं, तो मार्केट में घूम के आते हैं, देखते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गया, जैकेट डाल लिया, गोलू भी जैकेट डाले। तो गाइस गली में देखो कितना भयंकर कोहरा डाल रखा है, ज़्यादा धुंध हो रही है, होप आपको दिख रहा होगा। सब सो चुके हैं और हम जा रहे हैं घूमने। तो गाइस ठंड तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सब लोगों ने आग जला रखी है। और अभी तो जनवरी बाकी है, तो पता नहीं कितनी ठंड होगी। अगर मनाली जैसे ठंड का एक्सपीरियंस लेना है तो आप दिल्ली आ सकते हो। गोल में टोपा वोपा सब डाल लिया है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। हीरो बनती आपको बताया था जैकेट में नहीं टोपा डालने में भी है। इस कोहरा देख सकते हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही भयंकर कोहरा। मस्त मौसम हो रहा है गाइस, सब सोच रहे हैं मार्केट में कुछ खा लें फिर वापस चलें घर। सो गाइस आप कोहरा देखो एक बार, हम जलेबी खाने आए हुए हैं और कोहरा देखो। अच्छे से क्लियर कुछ दिख भी नहीं रहा है, अभी जलेबी खा के निकलते हैं जल्दी से घर। गाइस अब वापस जा रहे हैं अपने घर, पीछे कोहरा देख लो, बहुत ज़्यादा कोहरा बढ़ते जा रहा है। उन्होंने आग लगा रखी है ठंड से बचने के लिए। तो हमने जलेबी खा ली, वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि एक मेरा दोस्त आ गया था, उसके सामने अजीब सा लगा था वीडियो बनाने में, दैट्स व्हाई मैंने बनाई नहीं वीडियो। तो घर चलते हैं। गाइस ऊपर अपने रूम में आ चुका हूँ और अभी नीचे न्यूज़ चल रही थी, उस न्यूज़ में देखा मैंने कि कोहरे के चक्कर में कल ऑफिस वगैरह स्कूल वगैरह की छुट्टी कर दी गई है। क्योंकि यार मैंने आपको कोहरा दिखाया, काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है दिल्ली में, चक्कर में ऑफ कर दिया है स्कूल वगैरह, प्राइवेट सेक्टर भी की छुट्टी कर दी गई है। सो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, एकदम से बढ़ गया ठंड आज रात को। सो बाहर भी पूरा धुंध हो रखा है, दिखाता हूँ आपको बाहर जाके। मैं तो तब से अंदर ही बैठा हुआ था कंबल में, दिखाता हूँ आपको। गाइस ठंड काफी ज्यादा है, रखा है। सो गाइस उस साइड देखो, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, होप आपको दिख रहा होगा, पूरा फॉग है, कूड़े का पहाड़ बिल्कुल नहीं दिख रहा। गाजीपुर का भयंकर फॉग है, ये कौन है भाई? गाइस ये कौन है? सो गाइस ठंड काफी ज्यादा लग रही है, चलते हैं अंदर। गाइस ठंड हो रही है काफी भयंकर ठंडी, चलते हैं अंदर। गोलू अभी तक आया नहीं है नीचे से, और पीसी कर लिया है ऑन, और वीडियो करते हैं एडिट और यहीं पे वीडियो करते हैं एंड। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता ही क्या करना है, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दो यार, आपके भाई का चैनल है। सो बाय गाइस, कल मिलता हूँ आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल की।